जय काल भैरव, मैं तांत्रिक दैत्य। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाया जाता है। उसे बुलाने का एक सरल मार्ग बताऊंगा आपको, मैं तांत्रिक दैत्य हूं। पहली चीज़ तो सुन लीजिए, जो लोग अधिक आयु के थे, जिनकी आयु 100 से अधिक हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, तो निश्चित ही उन्हें मोक्ष मिल जाता है, दूसरा जन्म मिल जाता है। उनकी आत्मा को इस मार्ग से नहीं बुलाया जा सकता। सिर्फ उस व्यक्ति की आत्मा को बुलाया जा सकता है जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो या समय से पहले मृत्यु हुई हो, वही इस क्रिया से आता है। सबसे पहले कार्य कीजिए, जो भी व्यक्ति मर गया है उस व्यक्ति का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि, उसकी जाति, उसका गोत्र एक कागज पर लिख लीजिए। उसकी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मात्र आपको इतना करना है, थोड़ा मीठा, थोड़ा मीठा, किसी प्रकार का मीठा है मिठाई ला के रख लें। एक कमरे में या किसी भी ऐसे स्थान पे आप चले जाएं जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ बैठ जाएं। और वहाँ बैठने के बाद आप एक बड़ा सा घी का, देसी घी का चिराग दिया जला लें। जलाने के बाद थोड़ा सा वहाँ मीठा रख दें और उसका नाम, उसकी जाति, उसका गोत्र, ये सब आप कई बार पुकारें, कई बार इस चीज़ को पुकारें और उसकी कुलदेवी या देवता से आह्वान करें कि उसकी आत्मा जहाँ भी हो उसे हमारे पास अभी तत्काल भेजें। आप देखेंगे कि उसकी आत्मा तत्काल आपके पास आ जाएगी। इस क्रिया में आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा इस क्रिया में समय नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति की आत्मा तत्काल वहाँ पहुँचा दी जाती है। इस क्रिया में कुल देवी या देवता का ज़्यादा उनसे हमें सहायता मिलती है, इसलिए क्रिया बहुत कारगर है। इसमें किसी प्रकार के मंत्र का कोई प्रयोग नहीं करना। उस व्यक्ति का नाम, उसकी जाति, उसका गोत्र, उसका कुल, सब आपको बोलना है। तत्काल उसकी कुल देवी या देवता से आपको आग्रह करना है, तत्काल उसकी आत्मा को वहाँ भेज देंगे। इस क्रिया का एक नियम सुन लीजिए, इसे रात्रि के समय करनी है, दिन के समय कभी भी आप इस क्रिया को ना करें। ये रात के समय ही होती है, रात के समय ही कार्य करती है। किसी भी दिन किसी भी रात को आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन नहीं है कि आज